नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हूँ जॉब इन SPMCIL की तरफ से बैंक नोटिस प्रेस 86 टोटल स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर सुपरवाइजर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट टेक्नीशियन अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत सारे अवेलेबल वैकेंसी हैं। अगर आप इन पर इंटरेस्ट हैं तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है एक फॉर्म भरने के लिए, वही आज हम यहाँ पर बताऊँगी और किस तरह से कहाँ से अप्लाई करना है ऑनलाइन वो भी दिखाऊँगी। और इनसे पहले ये जान लीजिए, इनका लास्ट डेट जो है 9/11/2018 के अंदर आप अगर सच में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनके बीच ही आप लोगों को भर लेना होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे है, तो चलिए देख लीजिए। देखिए पहला जो है सेफ्टी ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, UR से सिलेक्ट होंगे। एंड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं, शुड पास रिकॉग्नाइज डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदरवाइज टेक्नोलॉजी एंड लॉ, नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज रिकॉग्नाइज डिग्री इन फिजिक्स अदरवाइज केमिस्ट्री, नॉट लेस देन 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ओके। एंड इनके अलावा आपके पास अगर इंजीनियरिंग अदरवाइज टेक्निकल टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ कोर्स कम्प्लीट किए हैं तो तब भी आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका एडिक्वेट नॉलेज होना ज़रूरी है वो भी हिंदी के ऊपर। और इनके अलावा एज जो है वेरी करता है बहुत ही, जो कि मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 29,000 से लेके 1,10,000 तक। सो नेक्स्ट क्या है वो भी देख लीजिए। और इनसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, ये जो हम बोल रहे हो इनका डायरेक्ट नोटिस से बोल रहे हो, अगर आप ये छोड़ के आपके मन में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली आप इनका ऑफिशियल नोटिस पे जाके आप वहाँ से भी आपका क्वेरी फुलफिल कर सकते हैं। और उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे PDF लिंक करके दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, और कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर देखिए वेलफेयर ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, UR से सिलेक्ट होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शुड पास ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस फॉर एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड ऑप्शन जो है एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी, ओके। एंड एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं, मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं सेम टू सेम जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है 29,000 से लेके अप टू 1,10,000 तक, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, सुपरवाइजर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, UR से 8, SC2, ST1, OBC से 4 कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर होना ज़रूरी है वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, अदरवाइज आपका डिजिबिलिटी BTech BE कुछ टेक्निकल के ऊपर कंप्लीट किया है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा आपका एज होना है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 30 के अंदर। और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 26,000 से लेके 1,00,000 तक, ओके। तो नेक्स्ट, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के ऊपर, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, जो कि डिग्री मीन्स डिप्लोमा कुछ इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन यहाँ पर और भी देख लीजिए, डिजिबिलिटी मीन्स BTech BE इलेक्ट्रिकल
यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को आपको शो करना होगा। और इनके अलावा एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाला है 26,000 से लेकर अप टू 1,00,000 तक। ओके, रिपीट अगेन कर रही हूँ, इन सारे के लिंक जो आप नोटिस ऑफिशियल नोटिस है वहाँ से ही मैं बोल रही हूँ। अगर आप इनके अलावा कुछ डायरेक्ट नोटिस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ फाइल करके दे दिया जाएगा जहाँ से आप लोग अपना नोटिस जो है डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, और थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों के हेल्प के बिना हम लोग भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सुपरवाइजर। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना है, अदरवाइज बीटेक बीई बीई इन आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई एक है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा देखिए एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को मिलने वाले हैं 26 से लेकर अप टू 1,00,000 तक। ओके, सो नेक्स्ट सुपरवाइजर, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, URC 1 OBC 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग कोई एक कोर्स कंप्लीट किया है तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज डिजिबिलिटी जो है बीटेक बीई इन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियरिंग कोई एक है तो वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। और इनके अलावा देखिए एज जो है 18 से लेके मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाला है स्टार्टिंग सैलरी जो है 26,000 से लेके अप टू 1,00,000 तक। सो नेक्स्ट क्या है देखिए सुपरवाइजर टेक्निकल सुपर सिविल, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, URC 2 OBC 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, डिजिबिलिटी फॉर बीटेक बीई इन सिविल इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पर देखिए एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर भी आप लोगों को मिलने वाले हैं स्टार्टिंग सैलरी जो है 26 से लेकर अप टू 1,00,000 तक। ओके, तो चलिए सुपरवाइजर, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, URC 4 OBC 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है, टेक्निकल प्रिंट टेक्नोलॉजी कुछ है तो तब अभी ऑप्शन करके दे दिया गया है कुछ है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। डिजिबिलिटी पर भी सेम टू सेम रखा है, कोई एक मैच करता है तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा देखिए एज जो है मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज है तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 30 के एक दिन ज़्यादा हो जाए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पे सैलरी जो है 26,000 से लेके अप टू 1,00,000 तक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है, अलग अलग पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जैसे कि UR 8 SC 4 ST 2 OBC 4, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, टाइपिंग स्पीड आपका होना ज़रूरी है इंग्लिश के ऊपर 40 WPM एंड हिंदी के ऊपर 30 WPM। ओके, डिजिबिलिटी आपको ऑफिशियल असिस्टेंट का काम आना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इनके अलावा एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 20 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 8,350 से लेकर अप टू 20,470। ओके, सो नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, अलग अलग पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जैसे कि UR 17 18
SC3, ST2, OBC8. Education qualification, full time ITI certificate है, तो तब आप यहाँ पर apply कर सकते हैं. Technology के ऊपर कोई देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग करके technology के ऊपर कुछ कम कोई भी एक कंप्लीट किए हैं तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. डिजिटल भी ऑप्शन करके दे दिया है, कृपया करके थोड़ा देख लीजिए. एंड एज लिमिटेशन जो मांग रहे हैं मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 25 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 7750 से लेके अप टू 19,040 रुपीज़ तक. ओके, सो नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, अलग अलग पे सिलेक्ट होंगे. यू आर 6 SC1 OBC2. एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं. ओके, और डिप्लोमा कुछ कोर्स कंप्लीट किया है तो तब भी चलेगा. और इनके अलावा एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 25 के अंदर आपका एज होना ज़रूरी है. और इन पोस्ट के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 7750 से लेके अप टू 19,440 रुपीस तक. ओके, सो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए. मेरे ख्याल से ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सेशन जो होता है अपर एज रिलैक्सेशन, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही सभी पे प्रूव है. तो यहाँ पर देखिए SC ST लोगों के लिए 5 ईयर, OBC लोगों के लिए 3 ईयर, 10 ईयर फॉर PWD एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैंडिडेट जो होते हैं. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसके बाद 3-4 स्टेप हो जाने के बाद आपका जॉब आपके हाथ पे होगा. सो ये छोड़ के आपके मन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप SPMCIL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि bnpdeews.spmcil.com पर जाके भी आप देख सकते हैं. और इनका नोटिस का लिंक PDF करके डायरेक्ट लिंक करके इस वीडियो के नीचे कमेंट ऑप्शन पे दे दिया जाएगा, जहाँ से आप अपना नोटिस इजीली देख सकते हैं. इनके अलावा देखिए ये फॉर्म भरने के लिए सभी के लिए डेबिट क्रेडिट कहीं से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. और ये ध्यान पे रखिएगा ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे है. एप्लीकेशन एंड जो अप्लाई फ्री जो है एग्जामिनेशन फ्री 400 रुपीज़ भरना होगा. और जो लोग स्पेशल कैटेगरी पे हैं उन लोगों के लिए नो एग्जामिनेशन फ्री रिक्वायर्ड इन केस ऑफ SC ST PWD एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, कहाँ से किस तरह से अप्लाई करना है. मेरे ख्याल से ये पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में ये फॉर्म भरना चाहते हैं. ठीक है, डायरेक्ट लिंक करके इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा इनका ओरिजिनल जो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने का जो पेज है वो. तो चलिए पहले तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कहाँ से किस तरह से अप्लाई करना है. और इनसे पहले जान लीजिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इनका क्लोजिंग डेट जो है 9/11/2018 के अंदर आप लोगों को ये फॉर्म भर लेना होगा. तो चलिए देखिए ये जो लिंक है डायरेक्ट लिंक करके दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग इस पेज तक आ सकते हैं इजीली. पहले से अगर आप रजिस्टर हैं तो सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दे के सबमिट कर दीजिएगा. यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, मीन्स लास्ट डेट, इन डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है. इनके अलावा अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो सिंपली ये जो येलो कलर का टैब है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आके क्लिक कीजिए. एंड यहाँ पर 6 स्टेप, यहाँ पर पहले जो कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फास्ट सेकेंड, टोटल 6 पेज आपको भरना होगा. फर्स्ट स्टेप पे जो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा. देन नेक्स्ट एंड सेव जो बटन है ये डाल टैब को क्लिक करना है. यहाँ पर देखिएगा जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं वो अच्छे से ध्यान पे रख कर डालिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेज फुलफिल हो जाने के तुरंत ही आपके पास SMS एंड मेल के थ्रू भेजा जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, जो आप दूसरे टाइम पर जब लॉगिन करना चाहेंगे वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
ठीक है, ये रहा फॉर्म फिलअप करने का तरीका, अच्छे से फुलफिल स्टेप बाय स्टेप मेंटेन कीजिए, हो जाने के बाद लास्ट ऑप्शन पे जाके आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और सभी के लिए 400 रुपीज ध्यान पे रखिएगा, और जो लोग स्पेशल कैटेगरी पे आते हैं उन लोगों के लिए फ्री है। ओके, तो ये रहा फॉर्म फिलअप करने का लिंक, और ये लिंक वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। इनके अलावा जो मैं बोल रही हूँ पीडीएफ लिंक करके ये लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग ये पीडीएफ ओपन होगा, जहाँ पर आपके मन के हिसाब से इन डिटेल्स क्वेरी जो है तो यहाँ से भी जान सकते हैं। टोटल 12 पेज है। सो ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू। अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और हमारा जो चैनल है लर्न एवरीवन, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग भी आगे नहीं जा पाएंगे। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट ऑप्शन है वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हमारा जो चैनल है लर्न एवरीवन 24 आवर ऑनलाइन रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।